गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं आपको कंप्यूटर में पेज नंबर 9 पर जो टॉपिक दिए हैं वो पढ़ाऊंगी। स्कैनर, स्कैनर जो होता है वह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटोग्राफ की इमेज को एंटर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की तरह डेटा को स्टोर रखता है। इसमें यह जो होता है एक जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है बिल्कुल उसी की तरह होता है और इसमें फाइल्स डिस्क पर सेव होती हैं। मतलब जो भी हम इसमें काम करते हैं स्कैन करने का, चाहे वो फोटो हो या फोटोकॉपी हो या किसी भी टेक्स्ट की जो भी इमेज होती है उसको ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल की तरह डिस्क पर सेव कर देता है, ठीक है। और इसमें जो फोटोकॉपी की मशीन होती है वो क्या करती है, वो पेपर पर प्रिंट करती है। जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो पेपर पर निकालती है, लेकिन इसमें फाइल सेव होती है। बस इतना अंतर होता है दोनों में। 3 प्रकार के स्कैनर्स होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। जैसा कि आपकी बुक में ये पिक्चर दिखाई गई है फ्लैट बेड स्कैनर की, हैंडहेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल पेन। डिजिटल पेन जो होता है वह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सिंपली राइटिंग पेन की तरह दिखता है। इस पेन में फोटो सेंसर होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। यह पेन जो होता है उसको स्क्रीन पर हम रखते हैं और यह मॉनिटर में लाइट सेंड करता है, भेजता है। जैसा कि आपकी पिक्चर में ये दिखाया गया है, ये डिजिटल पेन है, उसको इस तरह से मॉनिटर पर रखा जा रहा है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो होती है टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है। टच स्क्रीन रिकॉग्नाइज करती है जो भी मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स मतलब जो सेम टाइम में जब हम टच स्क्रीन का यूज कर रहे होते हैं तो उसके कांटेक्ट में, जहां हमारी फिंगर होती है उसके कांटेक्ट में जितने भी मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं उन सबको ये क्या करती है, सबको रिकॉग्नाइज करती है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स किस नाम से जाने जाते हैं, ये मल्टी टच के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इसको हम मल्टी टच कहते हैं। यूजर टच स्क्रीन जो होती है उसमें टचिंग एरिया को, मतलब स्क्रीन का जो भी टचिंग एरिया होता है उसमें यूजर टच करके उसको इंटरेक्ट कर सकता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड टच कर सकते हैं, पिक्चर्स, नंबर्स, लेटर्स और जो भी लोकेशंस आइडेंटिफाइड होती हैं स्क्रीन पर उनको टच कर सकते हैं। कुछ टच स्क्रीन जो होती हैं वो फिंगर के मोशन को भी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। आप अपनी फिंगर को जैसे ही स्लाइड करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी फिंगर को स्लाइड करके ड्रैग कर सकते हैं और उस फिगर को या उस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा, मतलब जूम करने के लिए या छोटा करने के लिए उंगली को हम पिंच कर सकते हैं। पिंच करके वो ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो सकता है। विंडो 8 जो होता है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर की टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है।
मतलब उसमें जो भी उसमें फीचर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कराने के लिए और भी सरल बनाता है। माइक्रोफोन जो होता है वह एक वॉइस इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज तुरंत अपनी कमांड को भेजने के लिए, जो भी वॉइस के रूप में होती है, जो आवाज होती है हमारी वॉइस होती है, उसको कंप्यूटर में कमांड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप माइक्रोफोन में तुरंत मैसेजिंग के लिए इसका यूज माइक्रोफोन से तुरंत मैसेजिंग के लिए इसका यूज करते हैं, जो वॉइस कन्वर्सेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि चैट रूम जो होता है उसमें वॉइस चैट सपोर्ट होती है और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है केस की तरह, जो आपके मॉनिटर के नीचे या उसी के आसपास रखा रहता है, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट में कई वैरायटी होती हैं, इसकी बहुत ही वैरायटी मिलती हैं, जो शेप्स और साइज के आधार पर होती हैं। जैसा कि आपको एक कंप्यूटर केस यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। बस आज यहीं तक। ओके बच्चों, गुड डे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन का डी क्वेश्चन नंबर होमवर्क में करना है, जिसमें ये टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये टॉपिक मैंने आपको आज ही पढ़ाए हैं, ऑप्टिकल माउस, माइक्रोफोन, सिस्टम यूनिट। ये आपको होमवर्क में करना है, ये इस तरह देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ।